पहले जानते हैं 1857 की क्रांति हुई कैसे, क्या थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 1857, जो ये 57 का फेर है, जो 57 नंबर है, भारत के लिए बहुत ही अहम रहा है हमेशा से। जरा एक बार इसका पैटर्न देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले हमने देखा 1757, उससे पहले 1657, फिर 1857 और फिर 1957। जरा पैटर्न समझते हैं। 1657 क्या हुआ? औरंगजेब से झड़प हो गई। किसकी? शिवाजी की, पता है ना, शिवाजी की औरंगजेब से झड़प 1657। उसके बाद 1757 सब जानते होंगे क्या हुआ? प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757। इसमें क्या हुआ? प्लासी युद्ध से अंग्रेजों का वर्चस्व पहली बार भारत में देखने को मिला। उसके बाद 1857 ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्या क्या गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और संग्राम क्या होता है? जिसमें सब बूढ़े, औरतें, बच्चे सब लड़ते हैं सैनिकों के साथ, वो क्या होता है? संग्राम। और किसके खिलाफ, किसके लिए? देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ 1857। फिर 1957 में क्या हुआ? चुनाव हुए दूसरी बार, लोकसभा के चुनाव हुए दूसरी बार भारत में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू दोबारा जीत गए। तो 57 का चक्कर, उसी में से एक जो है ये हम दोनों पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, उसमें जो एक है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये हम पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने वाले हम लोग। ओके, 1857 में क्या हुआ? 1757 के बाद और 1857 तक कितने साल हैं? 100 वर्ष। 100 वर्ष का समय था जिसमें अंग्रेजों ने भारत के अंदर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जो उथल फुथल थी वो अंग्रेजों के खिलाफ होती चली गई। उन्होंने भारत के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी में छेड़छाड़ करी। राजनीतिक कैसे? किसी का राजा किसी को बना दिया, है ना। धार्मिक कैसे? कि उन्होंने किसी धर्म का बढ़ावा दे दिया, क्रिश्चियन धर्म था उसको अपनाओ बोला गया। ये था सामाजिक। तो इस प्रकार से 100 साल में अंग्रेजों ने हर एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सब में अपना अपना टांग उसेड़ी। उसका परिणाम था क्या? ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 100 साल के बाद लोगों को लगा कि हाँ, हमें कोई गुलामी कर रहा है तो हमें थोड़ा सा अपने लिए सोचा जाए, और पहली बार ये यहाँ पर 1857 संग्राम हुआ। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। हुआ क्या? लड़ने के लिए पूरे भारत देश में, अखंड भारत में एक साथ लड़ाई हो, इसके लिए 10 मई 1857 का दिन चुना गया कि 10 मई 1857 का दिन चुना गया है, सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो और हम देश आजाद कर लेंगे अपना। अब इसके लिए पहले तो फोन तो था नहीं, टेन 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 विकास, हेलो विकास झगड़ा 10 तारीख को, ऐसा तो था नहीं। क्या है कि ना इतना बढ़िया साधन था, उठाया मोटरसाइकिल धूम पहुंच गए दूसरे गांव में, भैया लड़ाई था फिर दूसरे गांव, ये नहीं था। तो फिर क्या था कि लोगों को भेजा गया, गुप्तचर के रूप में भेजा गया, और इसके लिए एक निशान बनाया गया। क्या निशान था? कि कमल, कमल और रोटी, कमल और रोटी इसका निशान था। किसका? 1857 की क्रांति का। लोगों को दिखाया जाता था कमल और रोटी दी जाती थी, ये लो किसके लिए लड़ाई करना है आपको, और किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ये था क्रांति। कौन सी? 1857 क्रांति। क्या जाने चिन्ह क्या था? रोटी और कमल चिन्ह था। और क्रांति कौन थी? 1857। कौन सा दिन निश्चित हुआ? 1857। और 57 कितना बड़ा घातक है देश के लिए, हम बता ही चुके हैं, है ना। 1657 औरंगजेब से कौन? शिवाजी चहट गए। फिर प्लासी युद्ध में, प्लासी युद्ध हार गए। उसके बाद 1857 अंग्रेजों हार गए। फिर उसके बाद देखो आगे चल गए, 1957 में देश आजाद हुआ, उसमें ये आपका चुनाव हुआ। लेकिन 1957 के समय एक बीमारी भी आई थी,
नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसका पहली बार वायरस आया था जिससे कई महामारी हुई है, कई महामारी, कई लोग मारे गए थे, तो हमें ध्यान नहीं कौन सा वायरस, बस इतना जानो दूसरा चुनाव हुआ था। बस ये क्या था, एक पैटर्न था समझने के लिए। अब मेरी कम से कम चार तारीख तो याद हो गई, 1657 शिवाजी और औरंगजेब, 1757 प्लासी का युद्ध, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद 1957 दूसरी बार चुनाव हुए भारत में, देश आजाद हो चुका था। ये तारीख याद करने के लिए था। चलो, जब 10 मई 1857 को निर्णय किया गया, कमल रोटी हुआ निशान। लेकिन क्या हुआ, अगर पूरा एक साथ से, अगर एक साथ भारत लड़ जाता अंग्रेजों से, अंग्रेज पहले ही भाग चुके होते, 1857 में ही भाग चुके होते। लेकिन हुआ क्या, ये एक साथ हो नहीं पाया। क्या हुआ, एक साथ हो नहीं आया। 29 मार्च को, कब, 29 मार्च 1857, कितने दिन पहले, कुछ दिन पहले, 10 दिन ये और 29 में जो भी डेट बची हुई वो, कुछ दिन पहले क्या हुआ, बैरकपुर में, कहां पर, बैरकपुर में सबसे पहले शुरुआत हुई भैया, कहां पर, बैरकपुर में, बैरकपुर में अंग्रेजों के सैनिकों की छावनी थी। कमाल की बात ये, अंग्रेजों के सैनिक बोले जाते थे लेकिन सैनिकों में 80% से प्लस, 80% के ऊपर भारतीय सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे अंग्रेजों की, मतलब अंग्रेजों की तरफ से लड़ा करते थे। उसी समय क्या हुआ कि बैरकपुर में छावनी थी अंग्रेजों की, उसमें एक महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, कौन, मंगल पांडे जी, ये वहां पर थे, कहां पर, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे मंगल पांडे जी। इनको किसी प्रकार से पता चल गया कि जो कारतूस दे रहे हैं अंग्रेज लोग, उस अंग्रेज लोग जो कारतूस दे रहे थे उसको पहले उसको अलग, ऊपर रबड़ को दांत से काट के अलग करना पड़ता था कारतूस, तब लगाया जाता राइफल में। लेकिन कैसे भी पता चला है ना कि अंग्रेजों ने जो कारतूस की जो रबड़ है या जो कारतूस का ऊपर का ढक्कन है वो बना होता था चमड़े का, उस चमड़े को अलग करने के स्थान पर क्या किया है अंग्रेजों ने, उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगा रखी है। मंगल पांडे ने कहा नहीं, हम नहीं ये कारतूस मुंह में डालेंगे, और वहां से क्रांति का बिगुल बज गया। कितनी तारीख को, 29 मार्च से, कहां शुरुआत हुई, बैरकपुर से, क्या शुरुआत हुई, बैरकपुर से शुरुआत हो गई। क्लियर है ना, तो 1857 की क्रांति कहां से हुई, बैरकपुर से, होना था 10 मई को शुरू हो गई, 29 तारीख को, कहां से, बैरकपुर से। उसके बाद फिर बैरकपुर के बाद फिर मेरठ, बैरकपुर के बाद कहां से, फिर मेरठ, मेरठ में शुरू हो गई। धीमे धीमे करके पूरे देश में क्रांति फैल गई। अब जरा एक एक करके पढ़ते हैं कि कहां पर कैसे क्रांति फैली है। सबसे मेन होता है दिल्ली, क्या होता है, दिल्ली, दिल्ली में था पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन, लेकिन पूरे भारत में नाम से शासन चल रहा था, उनका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, मुगलों के बादशाह थे, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इन्हीं के नाम से क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। अंग्रेज लोग सोले चलो जरा इनसे ही बात कर लिया जाए, क्या किया, इनके नाम का सिक्का चलता था, लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, इनके सिक्के पर से इनका नाम हटा दिया, भारत के लोगों की बेइज्जती हुई और दिल्ली में भी क्या हो गया, क्रांति हो, लड़ाई शुरू हो गई दिल्ली से ही, किनकी वजह से, बहादुर शाह जफर। और अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूरे भारत का किसने किया, बहादुर शाह जफर, क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल है, राजधानी है, जो वहां सत्ता करेगा वही पूरा देखेगा, तो फिर दिल्ली से बहादुर शाह जफर। अब जरा एक एक करके, इनसे क्या हुआ था कि ये इनका सिक्के से नाम हटा दिया गया था। फिर दिल्ली के बगल में हम लोग थोड़ा और पास आते हैं, जगह पहुंचते हैं कानपुर, कहां पहुंचते हैं हम लोग, कानपुर, कानपुर पहुंच जाते हैं। कानपुर में नाना साहब, किसने नेतृत्व किया, नाना साहब, ये थे क्या, पेशवा थे मराठाओं के, नाना साहब नेतृत्व किया। उसके बगल में क्या, झांसी, झांसी से सबको याद होगा रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से, बिहार में क्या, बिहार से किसने किया है बताओ बेटा, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। और लखनऊ से,
लखनऊ से बेगम हजरत महल और तात्या टोपे का भी नाम आता है, यहां से इन्होंने शुरुआत कर दी। इस प्रकार से कहां शुरू हुई थी क्रांति अपनी? बैरकपुर से, और धीमे धीमे करके पूरे भारत में फैल गई। और फैल गई पूरे भारत में तो क्या हुआ, अंग्रेज लोग परेशान हो गए। अंग्रेजों के पास खुद की सेना तो थी नहीं, इस बार क्या हुआ, सेना भी उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन भारत की कुछ सेनाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और इस स्वतंत्रता संग्राम को दबा लिया। और कैसा हो गया, ये विफल हो गया, फेल हो गया। अब विफलता के कारण क्या क्या थे, क्यों ये विफल हो गया, उससे पहले हम जानते हैं इस क्रांति क्यों हुई, इस क्रांति के कारण क्या थे वो जान लेते हैं। पहले सबसे पहला हम जानते हैं आर्थिक कारण। कौन सा कारण? आर्थिक कारण। अर्थ माने क्या होता है? रुपया। सबसे पहले लड़ाई लाई की जड़ कौन होता है? रुपया। तो आर्थिक कारण क्या था, अंग्रेज लोग आते थे, क्या करते थे, यहां से कच्चा सामान ले जाते थे जहाज में लाद के, और वहां से बना के कपड़ा ले गए, 2 रुपए की चीज लाए 2000 की बेच रहे हैं, तो क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी भैया, गरीबी बढ़ेगी, ये कारण था। उसके बाद क्या है, जब माल यहां रहेगा ही नहीं तो शिल्पकार, कारीगर, कुटीर उद्योग सब सत्यानाश कर दिया, गरीब जनता को सब बर्बाद कर दिया। ये कारण था किसका, आर्थिक कारण। क्या क्या, जो कुटीर उद्योग वो क्या हो गए, खत्म। शिल्प की लोग जो शिल्पकार होते हैं वो भी क्या हो गए, खत्म। और कच्चा सामान ले जाते थे और ऊंचे दामों पर ले जाते थे, ये था आर्थिक कारण। उसके बाद धार्मिक कारण आते हैं। कौन सा कारण? धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बड़े आराम से बहुत समय से रह रहे हैं, कोई किसी प्रकार झगड़ा नहीं था। इन्होंने क्या किया कि लोगों से कहने लगे तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो झगड़ा ही होगा। और यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी योजनाएं आती थी उसको अपने धर्म के खिलाफ डालते थे, जैसे कि रेल। उन्होंने कहा रेल धर्म के खिलाफ है, कि बोले क्यों, कि उसमें एक ही डब्बे में सब घुस जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, उनके खिलाफ माहौल बन गया। ये कौन सा था, धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण देखते हैं, कौन सा कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब राजनीति, मतलब राजा लोगों को काम, नेता लोगों का काम। सबसे पहला कारण यही था कि जो अंग्रेज आए उनकी नीतियां, सबसे पहले डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, विलेजली की सहायक संधि नीति। इनसे क्या था, कोई भी राज देखा कुशासन का आरोप लगाया, राज हड़प लिया, राजा लोग भयभीत हो गए, बोले अंगला नंबर तेरह परेशान हो गए कि अब मेरा भी नंबर आएगा। तो इनके कारण भी वो लोग परेशान हो गए। कौन कौन कारण, हड़प नीति, हड़प और सहायक नीति, ये दो नीतियां पता है, एक की विलेजली और एक के डलहौजी, इनके कारण। और कई राज्य इनके कारण आतंकित हो गए। इसी बीच मैंने बताया मोहम्मद जो बहादुर शाह जफर थे, इनका क्या किया उन्होंने, सिक्के से नाम हटा दिया, ये भी दग गए दिल्ली से। कानपुर से नाना साहब, इनकी पेंशन बंद कर दी, वो भी दग गए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने गोद लिया था बच्चा, उन्होंने कहा अंग्रेजों का ये बच्चे गोद नहीं ले सकते, वहां से वहां झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे करके ये झगड़ा चला गया। ये था किसके, 1857 की राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, ये हो गए ना। अब ये विफल क्यों हो गई, असफल क्यों हो गया 1857 क्रांति, सफल क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहला कारण ये होना था, 10 तारीख को शुरू हुई, 29 तारीख को, असफल तो होना ही है, पहले ही से ही झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने उन्हें मौका मिल गया एक एक करके दबाने का, एक एक करके दबाने का। ये अगर एक साथ हुई होती ना पूरे देश में तो मजा आ जाता, लेकिन इसके अलावा आप देख रहे इधर उधर खाली जगह देख रहे ना, यहाँ के लोगों ने ही, कुछ लोगों ने जो लोग थे अंग्रेजों की सेना ही भर्ती हो गए और उन्हीं की तरफ से लड़ते रहे। दूसरा कारण हार का, तीसरा कारण हार का, ये सब आम जनमानस को पता ही नहीं चला कि हमें किसके खिलाफ लड़ना है, क्योंकि राजा लोग अपने लिए कहते थे लड़ाई चलो, जनता चल जाती थी, कहीं ना कहीं आम जनमानस इसमें विफल रहा और दूर रहा, इस वजह से भी क्या हुआ, ये चीज असफल हो गई।